CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला। आइए मित्रों, अब चलते हैं कक्षा 5 की ध्वनिशाला में। मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चों, आपको उषा दीदी का नमस्कार। आज आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी को हुआ क्या है। पहले तो वे सिर्फ बोलती थी मेरे प्यारे बच्चों, और आज उन्होंने बहुत बहुत बहुत, वो भी 3 बार बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, बात ही कुछ ऐसी है। आज मैं जो आपके साथ बताने वाली हूँ वह दरअसल त्योहारों की बात है। अब जब बात त्योहार की हो तो मन झूम ही उठता है, और जब मन झूमने लगता है तो फिर हमें बहुत 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 अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से आज बहुत शब्द मैंने 3 बार इस्तेमाल किया। किसी भी तीज त्योहार का नाम सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या बात आती है? अच्छा, आपसे पहले मैं बताती हूँ, किसी भी त्योहार का नाम सुनकर या त्योहार की बातचीत सुनकर जो सबसे पहले चीज मेरे दिमाग में आती है वे हैं तरह तरह के पकवान। मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। अगर हम होली की बात करें तो क्या चीज जहन में आ रही है? गुजिया। और अगर हम दिवाली की बात करें तो खीर, मालपुए। ये तो मुंह में और पानी आ रहा है। और पूरे भारत देश में अलग अलग समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पता है बच्चों, कुछ त्योहार तो ऐसे हैं जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, यानी मौसम में परिवर्तन आया, फसल कटने का समय है तो बस त्योहार मन गया। त्योहार कुछ और नहीं, मन की खुशी है। बस हम अपने मन की खुशी को अलग अलग तरह से अभिव्यक्त करते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जगह पर त्योहार को मनाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन मूल भावना एक ही है। और वह मूल भावना क्या है बच्चों? वही हम सभी से प्रेम कर सके, एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांट सके। तो आज हम बात करते हैं इन्हीं फसलों के त्योहारों पर। ये जो हम बातचीत करने जा रहे हैं आज, ये दरअसल एक घर में होने वाली बातचीत है। तो हम देखते हैं कि किसके घर में क्या हुआ। तो हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ई लोग के उठे के नईके का, बोल जल्दी तैयार हो खस। अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कब्बो न देखनी, सारा देह कनकना देता, पापा ने कहा। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, छक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुलके बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। पता है, उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो
फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। अरे आप क्या सोच रहे थे कि हम खिचड़ी खाने की बात कर रहे हैं? नहीं जी, हम तो खिचड़ी मनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, जब खिचड़ी मनाते हैं तो खिचड़ी खानी पड़ती है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। पता है झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है आदिवासी किसकी पूजा करते हैं? आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बचे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। एक और मजेदार बात होती है, मालूम है घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। पता है बच्चों, धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। क्या मालूम है आपको, इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। प्यारे बच्चों, हर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। पता है यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है,
तो पता है क्या कहते हैं? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया, इसके स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं, तो शायद हर आकार और रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। प्यारे बच्चों, कुमाऊं में मकर संक्रांति को क्या कहते हैं पता है? कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुगुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। पता है कौन से आकार? जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। और पता है क्या गाते हैं? वे गाते हैं, कौआ आओ घुगुत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने की घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी, ऐसे गाते हैं गाना। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई पांच प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। पता है बच्चों, लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? बच्चों, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अरे आप कहाँ चल दिए? अभी तो कार्यक्रम चल ही रहा है। अच्छा, तो आपका मन कर रहा है कि हम जल्दी से रसोई घर में जाएं और खीर पुए और जो पकवान बने हैं उन्हें खाने बैठ जाएं। और पता है कुछ बच्चे तो जल्दी से जाना चाहते हैं छत पर, ताकि ढेर सारी पतंग उड़ाएं। पतंग को भी सुस्ताने का मौका दीजिएगा और आप पकवान मजे से खाइएगा। तो ये तो थे फसलों से जुड़े हुए हमारे त्योहार। आपको अब एक अंदाजा हो गया होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में फसलों से जुड़े हुए कौन कौन से त्योहार हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, त्योहार अलग अलग तरीके से भले ही हम मनाते हैं, लेकिन हमारी भावना एक ही है। और इस एक अच्छी भावना के साथ एक और चीज है जो सब त्योहारों में एक जैसी है। वो क्या भला? वो है पकवान। अब चाहे कोई खिचड़ी बनाए, या कोई खीर बनाए, कोई मालपुए बनाए, या कोई कुछ भी बनाए, लेकिन पकवान तो जरूर बनते हैं। और उन्हें खाने में जो स्वाद आता है, बस पूछिए मत। और यह लगता है कि यह त्योहार हम साल भर यूं ही मनाते रहें। किस लिए? इसलिए ताकि हमें रोज नए नए पकवान खाने को मिले। तो प्यारे बच्चों, आपने ये भी जाना कि खिचड़ी मनाने में और खिचड़ी खाने में फर्क है। खिचड़ी मनाने का मतलब है कि हम मकर संक्रांति मना रहे हैं, यानी कि हम खिचड़ी बनाएंगे, ठीक है? और इस खिचड़ी मनाने में हम खिचड़ी खाते भी हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे क्या ज़्यादा पसंद करते होंगे? बच्चे खिचड़ी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं या खीर खाना पसंद करते हैं? भाई मैं तो खीर खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, खिचड़ी खाने में तो मुझे कोई मज़ा नहीं आता।
वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि खिचड़ी में होता है नमक और हमें तो मीठा पसंद है, तो कुछ मीठा हो जाए के नाम पर हमें खीर बहुत पसंद है। और अलग अलग बच्चे अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग पकवान खाते हैं, और अगर पड़ोसियों के यहाँ से त्योहार के दिन निमंत्रण आ जाए तो क्या कहने, हम पड़ोसियों के यहाँ जाकर भी पकवान खूब खाते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, हमने अलग अलग प्रांतों में रहने वाले अलग अलग त्योहार उनके तरीकों के बारे में जाना, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक और अच्छी बात है, वो ये बात है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आज ये लोग के उठे के नईके का, यानी कि एक खास तरह की भाषा है कि आज ये लोग उठे या नहीं, तो ये बात किसके लिए कही गई है? बच्चों के लिए। उठ के नहीं देते हैं बच्चे, कोई त्योहार हो कोई काम हो, इतना ही नहीं परीक्षा भी हो, उठने में अक्सर वे आनाकानी करते हैं। बस पांच मिनट करके करवट बदलते रहेंगे लेकिन उठेंगे नहीं। तो ये बात बच्चों के लिए कही गई है कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं। आपने दूसरा वाक्य भी सुना होगा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी कि जाओ भाग के देख कर आओ केरा के पत्ते आ गए या नहीं आए। तो ये जो दो बातें आपने सुनी है इसे आप खुद अपनी भाषा में बोलकर देखिए। एक और बात है बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। हमारे पास विविधता के और कई बड़े पैमाने भी हैं, जैसे हमारी भाषा अलग है, हमारे कपड़े अलग हैं, हमारे पहनने का सलीका अलग है, हम नया वर्ष भी अलग अलग समय पर मनाते हैं, हमारा भोजन भी तो एक जैसा नहीं है, हमारी लोक कला भी एक जैसी नहीं है और लोक संगीत भी अलग है। लोक संगीत से याद आया कि क्यों ना हम असम का बिहू सुन लें और गुजरात का भी लोक संगीत सुन लेते हैं, और लगे हाथ हम झारखंड और बिहार में गाए जाने वाले गीतों को भी सुन लेते हैं। तो तैयार हैं सारे बच्चे इस लोक संगीत का आनंद उठाने के लिए? मजा लीजिए लोक संगीत का।
मजा आया आपको लोक संगीत सुनने में? आप सबको अलग अलग भाषाओं के कुछ लोकगीत तो याद हो गए होंगे, है ना? अच्छी बात है। और मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और अगले कार्यक्रम में मैं बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगी। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनिशाला, निर्माण सहायक मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, कार्यक्रम निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।